खबर लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर पर बैरिकेटिंग करीब 2 किलोमीटर पहले से ही, जबकि सभी किसान गाजीपुर किसान क्रांति चौक पर बैठे हैं, वही जो किले लगी है उन किलों से एक राहगीर बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसको समय रहते किसान इस घायल राहगीर को डॉक्टर के पास ले गए, जबकि सरकार की ओर से किले तो लगाई परंतु घायल को ले जाने के लिए कोई भी एम्बुलेंस वहां नहीं थी, ना ही कोई हेल्प नंबर था। इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता मुकेश चौधरी ने अलग अलग लोगों से बात की है, क्या बात हुई है आइए सुनते हैं। वो व्यक्ति था जो जिसके पैर में घुसी है, तीन घुसी है, थप्पड़ मारो तो खींचड़ी गिरा, मेरा ही तो गेदरान हो गया है, उसको यही के किसान भाई उठा करके दो आगे डॉक्टर के पास ले गए शिविर का, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद है, उनके पास ले गए। उसके पैर में कितनी चोट, कितना घाव हुआ होगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन खून जो बता रहा है खून काफी मात्रा में आएगा, इतना खून शायद महीनों सालों में जाकर बनेगा जितना खून आज बह गया है। हमारे पास यहाँ कुछ किसान भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ऐसे कैसे होगा, इसका रास्ता क्या है। जी सरकार के मन के अंदर जो गलत फहमी है जी, वो ये दर्शा रहा है कि ये किसानों के विरोध में है और किसानों से कोई वार्ता नहीं करना चाहते, लेकिन आम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ खुले मन से बात करेंगे। खुला मन नहीं है ये, अगर इनका खुला मन होता तो ये कटीले तार इन्होंने बॉर्डर पर लगाए होते तो शायद किसान अपने मन में सोचता भाई हमारे बच्चों के शहीद होने से बचा रहे हैं, ये हमारे लिए लगा रहे, उधर हमारे जवान खड़े हैं ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं और इधर किसान खड़ा है, ये पैदा कर रहे हैं सरकार। कि मुझे एक अफसोच है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे सरेंडर कर दे कि हम अपने माता पिता भाइयों का हथियार नहीं उठाएंगे, हम सरकार की तरफ हथियार कर दें, ये डर है। और इस देश में अराजकता जो फैलाएंगे ये मोदी सरकार फैलाने के चक्कर में, इन्होंने गऊ के लिए कानून बनाया था, गौशालाएँ खुलवाई, कहीं अस्थाई गौशाला है, कहीं वैसी गौशाला है, कहीं गौशाला नहीं है, गाय की वो दुर्गति है। तीन चीज थी पहले बड़े बुढ़े कहा करते हैं, गऊ दुखी और बहू दुखी, जिस घर में है वो घर आबाद नहीं हो। अब यहाँ गऊ भी दुखी है, बहू भी दुखी है, बेटी भी दुखी है और किसान भी दुखी, तो यो कैसे चल जाएगा बताओ, सारी चीज़ दुखी होगी। और ये तीन कानून की किसान तो मांग ही नहीं रहा है, तीन कानून में जो हम न्यूनतम, आप ये देखिए अभी अभी एक यहाँ अब कौन है वो किसान भाई है, राहगीर है, ये कहना मुश्किल है, राहगीर है बेचारा, राहगीर है। तो ऐसे रात के अंधेरे में या कोई आने जाने वाले घायल होगा तो उसके लिए क्या सुविधा है, कोई यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही, सरकार ने कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं की, ये तो किसान ही आपस में ले गए जो इनके यहाँ कैंपों में डॉक्टर आए हैं श्रद्धा से, मतलब ये सोच के कि भाई हम धर्म का कार्य कर रहे हैं वो ही इलाज कर रहे हैं, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है सरकारी, और किसानों की तरफ से देख ही नहीं रहे। और किसान का एक देह है, हमारा एक बेटा सीमा के लिए शहीद होता है, किसान अपनी ज़मीन को अपनी माता से अधिक मानता है, वो इसके लिए मर सके। एक बात ये निकल गया है 6 तारीख को क्या किसान भाई दिल्ली में चक्का जाम करेंगे, उसके लिए सब किया जा रहा है, वो जैसा भी होगा, चक्का जाम दिल्ली के लिए नहीं है, वो पूरे प्रांतों में है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। जैसा भी हमारे जो ये संयुक्त मोर्चे के जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो जैसा आदेश करेंगे वैसा हम लोग तैयार करेंगे, वो गांवों में कहेंगे गांवों में करेंगे, यहाँ कहेंगे यहाँ जाएंगे, उनके कहने की देर है। तो इस तरह से ये दिल्ली के बॉर्डरों पर कीले लगी हैं और ये बैरिकेडिंग करके कटीले तार लगाए हैं, तो ये माना जाएगा पूरे देश में अगर चक्का जाम की बात कर रहे हैं आप तो हर शहर हर गांव हर कस्बे में ऐसा होगा। तो उससे का डर है, हमें अगर चक्का जाम करना है तो हम अपने गांवों का सामना कर देंगे, उसमें हम जो पीड़ित व्यक्ति है बीमार है उसके लिए निकलने के लिए रास्ता देंगे, लेकिन राजनेता को नहीं निकलने देंगे किसी को भी। ये आपने बहुत अच्छी बात है कि पीड़ित रास्ते को मिलेगा एम्बुलेंस के लिए रास्ता देंगे, तो यहाँ पर क्यों नहीं है एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था, जो एम्बुलेंस इनकी जो उधर से आ रही है वे निकल के जा रही है लेकिन हमारे किसी बीमार को ले ही नहीं जा रही, जो यहाँ एम्बुलेंस आ रही है उनके लिए हम रास्ता दे रहे हैं और कोई पीड़ित आ रहा है उसके लिए भी दे रहे हैं। देखिए आप कहीं भी जाम नहीं है, सड़कें खुली हैं और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ चोट लगी है इस राहगीर के, अपने आप गिर गया फिसल के बेचारा देखता है इसे, तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, मन दे रखा सरकार ने कि भाई किसी का चोट लग जाए कोई घायल हो जाए उसके लिए हम एम्बुलेंस भेज जाएँ या उसके उपचार के लिए कोई
सुविधा देखिए बहुत अच्छी बात बताई किसान भाई ने, टोल फ्री नंबर है इसको एक किया है, बैरिकेडिंग कर दी अपनी सुरक्षा कर दी, ब्रांच में दिल्ली ब्रांच के अंदर उत्तर प्रदेश से कोई किसान भाई कोई चक्का जाम ना कर पाए या अंदर ना घुस पाए। लेकिन अगर राहगीरों को परेशानी आ रही है तो उसके लिए कोई ना तो कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना कोई टोल फ्री नंबर है, ना कोई डॉक्टरी सुविधा है, ना ही उस राहगीर को कोई भी उपचार मिले ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। यही कि ये किसान भाई उन लोगों ने उसको उठाया है, उसको लेकर के चार दिन लेकर गए हैं, ये भी शुक्र है कि उसको यहाँ के किसान भाई ले गए। यदि यहाँ पर कोई ना होता, रात का अंधेरा होता, तो शायद वो यहीं पर और फूल निकल गए, ऐसे पता नहीं कहना तो मुश्किल होगा। और अभी हम दिखा रहे हैं आपको कि ये वो धरना स्थल है किसानों का, ये सामने यूपी गेट है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सही बात करते हैं भाई साहब, कहाँ जाएंगे तो ये रास्ता पता है किधर से सकते 10-15 किलोमीटर है फिर इनको विजयनगर जाने में लगेगा, जो भी समय और समय कितना लगता है यहाँ से तो 5-15 मिनट में पहुँच जाते हैं, तो मुझे एक घंटा लगेगा, भरोसा नहीं है कि और यानी देखिए आप 40-45 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। आप किधर जाएंगे? हापुड़। आप डेली अप डाउन करते थे इसे? तो हापुड़ जाने के लिए कौन सा रास्ता देखेंगे आप? तो कितना हेर फेर पड़ेगा आपको? तो ये जाम क्या कहना चाहते हो? क्या जाम खुलना चाहिए और ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये सरकार को देखना है। ये सर आनंदगढ़ जाएगा पर आप इधर से चले जाइए 20-25 मिनट। हंगी तो बेचारे तो यही कहना है इनका, क्या ये तो सरकार को देखना चाहिए धरना प्रदर्शन, था लेकिन रास्ता हमारे को चाहिए, रास्ता कहाँ से देंगे? ये प्रशासन के ऊपर है, सरकार के ऊपर, हमें रास्ता कहाँ से देंगे? और आपको बता दें कि ये जस्ट यहाँ से और मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी के ऊपर ही है डीप अपना गाजीपुर पॉइंट है, जहाँ पर धरने पे बैठे हैं, ये वही जगह है। और उससे जस्ट पहले मुर्गा मंडी का ये पॉइंट है, देख सकते हैं आप, दो तरफ एक इन और एक आउट, दोनों रास्ते दोनों बैरिकेडिंग करके बंद किए हुए हैं, देर लग रही है। जैसे इससे पहले हमने आपको दिखाया स्कूल से जस्ट पहले, वहाँ पर भी एक जगह बैरिकेडिंग की हुई थी, उस बैरिकेडिंग को लेकर के वहाँ से रूट डाइवर्ट किया हुआ है, वो ये सिर्फ आनंद विहार को आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग पहली बैरिकेडिंग है, ये पहली बैरिकेडिंग है जो अक्षर लालमारी रोड है, ये NH-24 कहलाती है, जो सीधी गाजीपुर होते हुए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लिए जाते हैं, ये पहली बैरिकेडिंग है जिसको यहाँ पर रोका गया है। और ये जो यातायात जा रहा है, इस यातायात हम कहेंगे पैन करके दिखाएंगे हमारे कैमरामैन कि ये जो यातायात है ये गाजीपुर होते हुए गाजीपुर को जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है और आनंद विहार के लिए इसको टर्न किया हुआ है। और जो कुछ लोगों को नोएडा के लिए जैसे टेनिस पुल के नीचे से जो टर्न पॉइंट है उसे राइट करके नोएडा गाजीपुर के लिए भेजा जाता है, जबकि ये सीधा रास्ता मात्र 5 मिनट की दूरी पे है यूपी गेट, तो उस पाँच मिनट की दूरी पे करीब 5 किलोमीटर का रन पूरा करना पड़ता है। तो बहुत परेशानी आ रही है आम जनता को यहाँ से। और अब क्यों बंद किया हुआ है, ये क्या मंशा है, क्या किसानों को लेकर के है या कुछ और रीति है, इस बात का रुख अभी साफ नहीं हो पा रहा है। आइए अभी बात करते हैं कुछ राहगीरों की कि उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जदों समस्या का है हल फिर क्यों हो परेशान, जिवें मन चाहिया प्यार, पति पत्नी च अणबण, काले जादू का खात्मा, वशीकरण, लाटरी नंबर पाओ, प्यार विच धोखा खाधे हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो, संपर्क करो विश्वनाथ तांत्रिक। तुसी संपर्क कर सकते हो 90-244-70-842।